तो क्लास कॉन्टेंट हमारे कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एग्जांपल्स भी ले लिए और उसके कैरेक्टर्स भी ले लिए। कुछ स्टेटमेंट देता हूं आपको, उनको पढ़ो और पढ़ने के बाद उन स्टेटमेंट में ट्रू एंड फॉल्स और उसके क्वेश्चंस करो, ठीक है? तो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, उन स्टेटमेंट को पढ़ना, वीडियो पॉज कर लो, आंसर लगाओ, फिर मैं उनके आंसर बताता हूं, ठीक है? जैसे आपको देखो ये कुछ लाइन है, अब आपको कितना याद हुआ कॉन्टेक्ट थे उस पर है। जैसे मैंने लाइन दी, ट्राइगोन हैव क्लैस्पर ऑन पेक्टोरल फिन। सेकेंड स्टेटमेंट, टॉर्पीडो इज मैराइन फिश इन विच माउथ इज वेंट्रल। थर्ड स्टेटमेंट, प्रिस्टिस हैव 5 to 7 पेयर गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपरक्यूलम। फोर्थ स्टेटमेंट, स्कॉलियोडॉन इज विविपैरस एंड शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनको पढ़ो, पॉज करो, ट्रू एंड फॉल्स लिखना है इनके आगे, ठीक? अब देखो इधर, अब मैं इसके आंसर दे रहा हूं, स्टार्ट। तो ट्राइगोन हैव क्लैस्पर, बिल्कुल सही बात। ट्राइगोन कौन है? हमें ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन करने का मोड क्या है, हमें सबसे पहले फिश के ऊपर सर्कल लगाना है। सर्कल लगाते हैं फिश को और उसको करना है कॉन्ट्रिक्टिस है कि ऑस्ट्रिथिक्स है, कॉन्ट्रिक्टिस है सब। ट्राइगोन हमारे दिमाग में आ गया, अब हमें कॉन्ट्रिक्टिस के इसके सारे कैरेक्टर मैच करने हैं, ठीक है साहब? कॉन्ट्रिक्टिस फिश है तो सब कॉन्ट्रिक्टिस में क्लैस्पर होता है, बिल्कुल होता है। मेल में कॉन्ट्रिक्टिस फिश में क्लैस्पर प्रेजेंट होता है पेल्विक फिन पर, हैव क्लैस्पर सही है, बट पेल्विक फिन होता है, यहां उसने जबरदस्त मिस्टेक करवाई, तो पेल्विक फिन पर है, हमने पेक्टोरल दे दिया, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये वाला फॉल्स लगाना था। मैच करो अपना आंसर। अगला देखो, टॉर्पीडो अगेन कॉन्ट्रिक्टिस, हम तो कॉन्ट्रिक्टिस फिश पढ़ रहे हैं सारी, हैव इज मैराइन फिश बिल्कुल, एंड माउथ इज वेंट्रल, यस। कार्टिलेजिनस फिश में माउथ वेंट्रल होता है, कार्टिलेजिनस फिश में गिल्स कवर्ड नहीं होते हैं, कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लडर नहीं होता है, श्योर? ये सब बातें थी, तो माउथ इज वेंट्रल स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट, डन। ये ट्री हो गया, ये फॉल्स हो गया। अगला, प्रिस्टिस अगेन कॉन्ट्रिक्टिस स्टूडेंट, सॉ फिश के नाम से बुलाते हैं, हैव 5 to 7 पेयर गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपरक्यूलम। रॉन्ग, ओपरक्यूलम नहीं होता, गिल्स इनके स्टूडेंट कवर्ड नहीं होते, स्टेटमेंट रॉन्ग, 5 to 7 पेयर सही है। स्टेटमेंट नेक्स्ट, स्कॉलियोडॉन इज विविपैरस बिल्कुल, एंड शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यस। कॉन्ट्रिक्टिस फिश विविपैरस होती है मोस्टली और उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, स्टेटमेंट ट्रू। तो ये हमने चारों ले ली, और लेता हूं एक और, उसको भी आप पढ़ना, फिर वीडियो पॉज कर लेना उसका। इन कार्केरेडॉन बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स है, उसके आगे पूछा है आपको बताना कौन सा स्केल्स है। अगला क्वेश्चन, इन स्टिंगरे एंडोस्केल्टन इज, आपको बताना है कार्टिलेज का कि बोन्स का। साफ फिश किसे कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ फिश इज। अगला क्वेश्चन, स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन कैन स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड स्किंग, स्टेटमेंट बताना, ट्रू एंड फॉल्स, फटाक से पॉज करके आंसर लगाओ। चलिए अब मैं इसके आंसर दे रहा हूं, देखिए स्टूडेंट, हमने पूछा इन कार्केरेडॉन बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स, कार्केरेडॉन कार्टिलेजिनस फिश है और कार्टिलेजिनस फिश में बॉडी इज कवर्ड बाय प्लैकॉइड स्केल्स, टीनॉइड और साइक्लॉइड तो बोनी फिश में आएंगे, सो आंसर आएगा प्लैकॉइड, फिलिंग द ब्लैंक्स में, प्लैकॉइड स्केल्स, डन मानो। चलो ये फिर हुआ एक क्वेश्चन। अगला, इन स्टिंगरे एंडोस्केल्टन, स्टिंगरे कार्टिलेजिनस फिश है तो एंडोस्केल्टन किसका बना हुआ होगा, कार्टिलेजिनस, श्योर? ये कार्टिलेजिनस आंसर गया, डन। सॉ फिश प्रिस्टिस, प्रिस्टिस इज कॉल्ड सॉ फिश स्टूडेंट, डन, प्रिस्टिस सॉ फिश हो गया। अगला, इन स्कॉलियोडॉन कैन स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड स्किंग, यस, बिकॉज एयर ब्लडर एब्सेंट, हमने तो लिखा था ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लडर दे कैन स्विम कॉन्स्टेंटली विदाउट, कैन स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड स्किंग, बिल्कुल, तो यही जवाब है, स्कॉलियोडॉन कार्टिलेजिनस फिश है, इसमें एयर ब्लडर एब्सेंस होता है और एयर ब्लडर एब्सेंस होने से स्टूडेंट, नहीं होने से एयर ब्लडर एब्सेंट, इसलिए ये चीज होगी, स्टेटमेंट ट्रू, तो यह स्टेटमेंट ट्रू हो गया। आज हमारे पास कॉन्ट्रिक्टिस यानी कार्टिलेजिनस फिश हमने बिल्कुल बढ़िया तैयार कर ली एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे ऑस्ट्रिथिक्स स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे पाइसिस ग्रुप में सेकंड क्लास, क्लास ऑस्ट्रिथिक्स कॉमनली नॉन एज बॉनी फिश, डन। और अब इसको स्टार्ट, हमें क्लास कॉन्ट्रिक्टिस के कैरेक्टर्स पता है, अब इस बॉनी फिश के बारे में बात करेंगे। पहले लाइन, एंडोस्केल्टन मेड अप ऑफ बोन्स स्टूडेंट, देयर एंडोस्केल्टन बोन्स, एंड सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट,
They live in fresh water and marine both. Yani some bony fishes are marine, some bony fishes are fresh water. Cartilaginous fish marine thi only. आज एक बात तो हमारी ये क्लियर हो गई कि हमें जो रिवर में नदी में स्टूडेंट तालाब में नदी तालाब में जो फिशेस मिलती हैं वो बोनी फिश हो गई बिकॉज कार्टिलेजिनस फिश मैराइन ही होती है फ्रेश वाटर नहीं है और बोनी फिश फ्रेश वाटर भी मिलती है और मैराइन भी मिलती है. डन. तो हमारा पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ इनका हैबिटेट. हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स सो कॉल्ड द बोनी फिश. क्लियर. ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए. जरा इधर देखिएगा क्लास ऑस्ट्रिच दिस क्लास इंक्लूड्स बोनी फिश. डन. हमारा पहला पॉइंट ये क्लियर. यस स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट और दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर. डन. ये क्लियर. उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स सो दीज फिशेज आर कॉल्ड बोनी फिश. यस क्लियर. तीनों पॉइंट हमारे क्लियर. अब हम स्टूडेंट और बात करते हैं. अगर हम बोनी फिश को कंपेयर करें स्टार्ट करें अगर हम कार्टिलेजिनस फिश से तो बात भी करते हैं. स्टूडेंट बोनी फिश जो होती है इनमें माउथ जो होता है टिप पर होता है. जो मैंने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी फिश की पढ़ाई थी वो आपको बोनी फिश बताई थी. इनमें टिप पर माउथ था यानी टर्मिनल एंड पर. कार्टिलेजिनस फिश में माउथ बॉडी के नीचे सरफेस पर होता है वेंट्रल. लेकिन बोनी फिश में माउथ टर्मिनल होता है. डन. श्योर. बोनी फिश भी कोल्ड ब्लडेड है. जो कैरेक्टर सारी मछलियों में मिलते हैं वो मिलते हैं 10 पेयर क्रैनियल नर्व. ऑल फिशेस हैव 10 पेयर क्रैनियल नर्व. ऑल फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड पॉइकिलोथर्मल कांट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. ऑल फिशेस हैव लेटरल एंड रिसेप्टर सेंसरी सिस्टम. बट स्टूडेंट बोनी फिश के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इंटेस्टाइन में स्पाइरल और स्कोरल वॉल्व नहीं होता है. बोनी फिश में माउथ टर्मिनल होता है. बोनी फिश में एक और बात बताना चाहूंगा. बोनी फिश में स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ध्यान से सुनना. इनमें जो गिल्स होते हैं वो 4 पेयर गिल्स होते हैं एंड दीज गिल्स आर कवर्ड बाय गिल कवरिंग ओपरक्यूलम. बोनी फिश में ओपरक्यूलम प्रेजेंट होता है. उनके गिल्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं. 4 पेयर गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए. डन. आइए नेक्स्ट. बोनी फिश में स्टूडेंट एंडोस्केलेटन तो बोन्स का बना है और एक्सोस्केलेटन स्केल्स का. बट अब की बार स्केल्स होते हैं साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स. कार्टिलेजिनस फिश में जो स्केल्स थे वो प्लैकॉइड स्केल्स थे. तो बोनी फिश का एक्सोस्केलेटन साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स का बना हुआ. डन. बोनी फिश में गिल्स आर कवर्ड 4 पेयर गिल्स. गिल्स कवरिंग ओपरक्यूलम प्रेजेंट. क्लियर. बोनी फिश में माउथ इज टर्मिनल. डन. ये पॉइंट्स देखिए आप. अगला देयर एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्केल्स एंड विच मे बी साइक्लॉइड और टीनॉइड. किसी में साइक्लॉइड किसी में टीनॉइड बट प्लैकॉइड स्केल्स एब्सेंट. पॉइंट क्लियर. रेस्पिरेशन बाय 4 पेयर ऑफ गिल्स स्टूडेंट. दीज गिल्स आर कवर्ड बाय ओपरक्यूलम एट ईच साइड ऑफ बॉडी. यस डन. ये क्लियर. माउथ इज टर्मिनल. डन. ये हमारे पॉइंट्स हो रहे हैं स्टूडेंट. हम बोनी फिश की स्टडी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड पॉइंट देख रहे हैं. तो बोनी फिश में माउथ टर्मिनल है. श्योर. प्लैकॉइड और स्केल्स के बजाय टीनॉइड और साइक्लॉइड स्केल्स है. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट एयर ब्लैडर. ये वर्ड आया था कॉन्डिटिक्स में. मैंने आपको कहा था कि इंटेस्टाइन में ईसोफेगस से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है. बोनी फिशेस में एयर ब्लैडर होगा. स्विम ब्लैडर उसको बोला जाता है जिसमें वो एयर का स्टोर करते हैं और इसकी वजह से रेगुलेट बायोन्सी. ये इनके बैलेंसिंग का काम भी करता है स्टूडेंट. तो इसी वजह से स्टूडेंट जो बोनी फिशेज हैं वो जो है उनमें वो वाटर करंट के अकॉर्डिंग स्विम करती है स्टूडेंट. रेगुलेट बायोन्सी. दोबारा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर. तो एक वर्ड आया एयर ब्लैडर स्टूडेंट. ऑल्सो कॉल्ड द स्विम ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोन्सी स्टूडेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट हेल्प एंड हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी. एयर ब्लैडर अराइज फ्रॉम द डॉर्सल वॉल ऑफ द ईसोफेगस इंटेस्टाइन. से मैंने आपको कॉन्डिटिक्स फिश में समझाया था. तो बोनी फिश में एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट है और गिल्स कवरिंग ओपरक्यूलम भी प्रेजेंट है. डन. ये हमारे पास एक स्टॉक और हो गया. लेकिन जो दोनों चीजें जो है कार्टिलेजिनस फिश में एबसेंट है. कार्टिलेजिनस फिश में ना तो गिल्स कवरिंग ओपरक्यूलम है और ना ही कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लैडर है. बट स्टूडेंट कार्टिलेजिनस फिश में हमने एक वर्ड पढ़ा था स्पाइरल वॉल्व इन इंटेस्टाइन. ये बोनी फिश में नहीं है.
बॉनीफिश में स्पायरल वॉल्व नहीं है। डन, बॉनीफिश में मेल में क्लैस्पर जैसी स्ट्रक्चर नहीं है पेल्विक फिन पर, क्लैस्पर एब्सेंट। और अगर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर क्लैस्पर नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन वो एक्सटर्नल है, इसलिए बॉनीफिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, कार्टिलेजिनस फिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन था। मुझे लग रहा है डन। एक बार और स्टूडेंट ध्यान से सुन ले आप, बोनी फिश में क्लैस्पर नहीं है, बोनी फिश में स्पाइरल वॉल्व नहीं है। श्योर स्टूडेंट? एक और बात, मैंने आपको ये बताया था कि कार्टिलेजिनस फिश में क्लॉई का एक वर्ड होता है और उनमें एक क्लॉइकल अपर्चर से वो बाहर खुलता है, क्लियर? लेकिन बोनी फिश में क्लॉई का एब्सेंट होता है, इनमें एक ओपनिंग एनस होती है और एक जेनाइटल डक्ट की ओपनिंग होती है, क्लॉइकल अपर्चर नहीं होगा। तो देखिएगा इधर नेक्स्ट पॉइंट, एयर ब्लैडर प्रेजेंट। अगला पॉइंट, कोरल वॉल इन इंटेस्टाइन एब्सेंट। अगला वॉल, क्लॉइका एब्सेंट। एनस एंड जेनाइटल डक्ट ओपन आउटसाइड द बॉडी थ्रू सेपरेट अपर्चर्स। जी हाँ, जबकि कार्टिलेजिनस फिश में क्लॉइकल अपर्चर होता है स्टूडेंट, जो कि बॉनी फिश में नहीं है। डन, कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? ये क्लियर स्टूडेंट? और बात करते हैं, एक वर्ड मैंने आपको स्कोलियोडॉन में पढ़ाया था फिश में, कार्टिलेजिनस फिश में एम्पुल ऑफ लॉरेंजिनी थर्मोरिसेप्टर, ये बोनी फिश में नहीं है। बोनी फिश में एम्पुल ऑफ लॉरेंजिनी नहीं है, क्लैस्पर नहीं है, मेल में क्लैस्पर, इंटेस्टाइन में स्पाइरल वॉल्व नहीं है, क्लॉइका नहीं है, और ये चारों वर्ड कार्टिलेजिनस फिश मींस कॉन्ड्रोथिक्स में प्रेजेंट है। गॉट इट? श्योर? स्टार्ट स्टूडेंट। तो एम्पुल ऑफ लॉरेंजिनी थर्मोरिसेप्टर एब्सेंट, क्लैस्पर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट, और अगर क्लैस्पर नहीं है तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्टली बोनी फिश ओवी पैरस, जबकि कार्टिलेजिनस फिश विवी पैरस। तो हमने स्टूडेंट क्लास कॉन्ड्रिथिक्स और क्लास ऑस्ट्रिथिक्स दोनों पढ़ लिए अभी तक, हमें बोनी फिश के कैरेक्टर्स याद हुए कि नहीं हुए स्टूडेंट? जरा मैं आपको एक बार और दे रहा हूं, ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से, एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास ऑस्ट्रिथिक्स पाइसिस ग्रुप की, और इस क्लास ऑस्ट्रिथिक्स के मेंबर्स होंगे बोनी फिश। देयर एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स, देयर एक्सोस्केलेटन इज टीनॉइड और साइक्लॉइड स्केल्स, दे आर फ्रेश वाटर एंड मैराइन बोथ। डन। इनमें स्टूडेंट एयर ब्लडर प्रेजेंट, इनमें स्टूडेंट फोर पेयर गिल्स एंड गिल्स आर कवर्ड बाय गिल कवरिंग ओपरक्यूलम। डन। बोनी फिश में स्टूडेंट क्लॉइका एब्सेंट, मेल में क्लैस्पर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट, इंटेस्टाइन में स्पाइरल और स्कोरल वॉल्व एब्सेंट, बोनी फिश में एम्पुल ऑफ लॉरेंजिनी एब्सेंट, बोनी फिश में एयर ब्लैडर प्रेजेंट, बोनी फिश में गिल्स कवरिंग ओपरक्यूलम प्रेजेंट, बोनी फिश का माउथ टर्मिनल एंड पर, बोनी फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बोनी फिश ओवी पेरस मोस्टली। सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश स्टूडेंट, और हमने इस तरीके से बोनी फिश याद किया। क्लास ऑस्ट्रिथिस, अगर आपको क्लास कॉन्ड्रिथिस याद है तो क्लास ऑस्ट्रिथिस उसका अपोजिट कर दिया और याद हो गया कैरेक्टर्स। बोलिए, देखिए मैं आपको तैयार करवाता हूं स्टूडेंट। क्लास ऑस्ट्रिथिस के अंदर सारे कैरेक्टर्स ले लिए। एक बात और मैंने आपको फिश में बताई थी स्टूडेंट, और वह है कॉडल फिन के टाइप। और मैंने आपसे कहा था कि कॉडल फिन जो होता है वो लोब्स में होता है, बोथ लोब्स आर इक्वल सिमेट्रिकल, सो कॉल्ड द होमोसर्कल टेल, होमोसर्कल कॉडल फिन। इफ बोथ लोब्स आर अनइक्वल इन साइज, हेट्रोसर्कल। कार्टिलेजिनस फिश में हेट्रोसर्कल कॉडल फिन था, बट बोनी फिश में होमोसर्कल कॉडल फिन है। तो आज के बाद कॉडल फिन वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो हमने क्लास ऑस्ट्रिथिक्स से उसके सारे पॉइंट ले लिए। एक बहुत अच्छा बात बताता हूं आपको याद करने के लिए, आज के बाद याद करने के लिए आप एक बात दिमाग में रखो, कार्टिलेजिनस फिश जो होती है उसमें शार्क इंक्लूड होती है, शार्क, और शार्क में माउथ वेंट्रल होता है स्टूडेंट। और कार्टिलेजिनस और बोनी फिश के सारे कैरेक्टर्स एक टेबल में ला देता हूं मैं। आप दो बात याद रखो आज के बाद, एक तो कार्टिलेजिनस फिश में शार्क होती है और शार्क के पिक्चर दिमाग में आती है आपको आ गया माउथ वेंट्रल है, और दूसरी बात याद रखो ओपरक्यूलम गिल्स कवरिंग और एयर ब्लैडर, ये बोनी फिश में दिया है, कार्टिलेजिनस फिश में नहीं दिया, बाकी सब कार्टिलेजिनस फिश में दिया है। अब आप इसके कैरेक्टर्स को कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, मैं पूरा याद कराता हूं। देखिएगा इधर स्टार्ट, ये जैसे मैं इधर एक पॉइंट लेता हूं कार्टिलेजिनस फिश, हियर इज अ बोनी फिश पॉइंट्स, ये टेबल आपको भी पर याद करने के बाद बनानी है अपनी नोट्स के अंदर। देखिएगा स्टूडेंट,
पहले मैं पॉइंट बात करूंगा हैबिटेट के स्टूडेंट, तो कार्टिलेजिनस फिश कहां मिलेगी? आपने कहा साहब कार्टिलेजिनस फिश मिलती है मैराइन, और अगर बोनी फिश की बात करूंगा स्टूडेंट तो आप जवाब दे सकते हैं सर हाँ बोनी फिश जो है, हाँ बोनी फिश सर मैराइन बिल्कुल, और साथ के साथ फ्रेश वाटर, बहुत बिल्कुल सर, डन हो गया। अगला बताओ सर एंडोस्कल्टन, सेकंड पॉइंट स्टूडेंट एंडोस्कल्टन, कार्टिलेजिनस फिश का एंडोस्कल्टन कार्टिलेज का बना होता है, बोनी फिश का बोन्स का, जवाब देना पड़ेगा सब कार्टिलेज का बना हुआ, कार्टिलेजिनस, और हियर इज द बोनी नाम मिलता। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सोस्कल्टन, सरफेस पर स्केल्स, बट स्केल्स के टाइप्स अलग होंगे स्टूडेंट, आपने कहा सर कौन से, तो स्टार्ट एक्सोस्कल्टन कार्टिलेजिनस फिश में आई थिंक प्लैकॉइड स्केल्स बिल्कुल, और नेक्स्ट हियर इज द साइक्लॉइड जी एंटीनॉइड स्केल्स, बहुत बढ़िया मुझे लग रहा तैयार। नेक्स्ट बताइए स्टूडेंट माउथ, मैंने अभी बताया था आपको कार्टिलेजिनस फिश में शार्क आएगी, शार्क में माउथ वेंट्रल, और बोनी फिश में माउथ टर्मिनल, तो हमारा जवाब आ गया हियर इज अ माउथ वेंट्रल एंड हियर इज अ माउथ टर्मिनल, जोरदार ये तैयार। अगला आइए क्लोइका, कार्टिलेजिनस फिश की बात की जाए तो कार्टिलेजिनस फिश में क्लोइका प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, हाँ है ना, यस प्रेजेंट होगा, बट बोनी फिश में क्लोइका एब्सेंट होता है, इसमें एनस और जेनिटल डक्ट सेपरेट ओपनिंग के साथ रखते हैं। बात आती कॉडल फिन, अभी मैंने आपको बताया था कॉडल फिन के बारे में स्टूडेंट, रिवाइज करवा देता हूं, स्टार्ट सपोर्ट करिए, शायद कार्टिलेजिनस फिश में कॉडल फिन हेट्रोसर्कल, यस स्टूडेंट, और अगर यही बात मैं बोनी फिश की बात करूं तो आई थिंक होमोसर्कल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोसर्कल होमोसर्कल, आप जानते हैं कॉडल फिन लोब्स में है और जो है बोथ लोब्स आर सिमेट्रिकल देन होमोसर्कल या असिमेट्रिकल हेट्रोसर्कल, ये हो गया डन, और पॉइंट्स ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं साहब। गिल्स, कार्टिलेजिनस फिश की बात की जाए स्टूडेंट तो कार्टिलेजिनस फिश में गिल्स आई थिंक 5 to 7 पेयर्स, और अगर यही बात हम बोनी फिश की करें तो आई थिंक 4 पेयर, डन। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं स्टूडेंट गिल्स कवरिंग ओपरक्यूलम, कार्टिलेजिनस फिश में नहीं है, बोनी फिश में प्रेजेंट है, मैंने अभी आपको बताया था एयर ब्लैडर और ओपरक्यूलम दो वर्ड बोनी फिश को दिए हैं, यस स्टूडेंट एयर ब्लैडर एब्सेंट हियर इज प्रेजेंट। अब अगली बात मैं स्पाइरल वॉल्व की बात करूं तो बाकी सब कार्टिलेजिनस फिश में, यस एब्सेंट क्लैस्पर, यस एब्सेंट, और जिसमें कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर क्लैस्पर होगा उसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, विवीपेरस भी है वो, तो इसमें फर्टिलाइजेशन आपको देना पड़ेगा स्टूडेंट, दिस वन इंटरनल, इंटरनल आप इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं विवीपेरस, जी हां स्टूडेंट कार्टिलेजिनस फिश, इधर आप फर्टिलाइजेशन दे दें एक्सटर्नल, और अगर आप अगला पॉइंट जोड़ना चाहते हैं तो आप इसमें लिख दें ओवीपेरस मोस्टली, श्योर। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट की बात थी स्टूडेंट, कार्टिलेजिनस फिश का मेनली चीफ वेस्ट प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं मेन वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, और बोनी फिश का मेन वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया, फ्रेश वाटर बोनी फिश अमोनिया एक्सक्रीट करने का काम करती है, एक वर्ड था एम्पुला ऑफ लॉरिंजिनी, हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, एम्पुला ऑफ लॉरिंजिनी कार्टिलेजिनस फिश में मिलेगा बोनी फिश में नहीं मिलेगा, तो हमने कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश पढ़ा, दोनों के कैरेक्टर्स को कंपेयर कर लिया, बहुत जोरदार तैयार हो गया, क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं बोनी फिश के एग्जाम्पल, क्योंकि कार्टिलेजिनस फिश के एग्जाम्पल हमारे टिप्स पर है, प्लीज रिवाइज करवाइए उसे, स्कॉलियोडॉन 1, प्रिस्टेस 2, ट्राइगॉन 3, कार्केरेडॉन 4, टॉर्पीडो 5, और एक एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया एनसीटी का वो काइमेरा, डन। अब हम बात करते हैं बोनी फिश के एग्जाम्पल्स के स्टूडेंट, यानी क्लास ऑस्टेथिक्स और उसके एग्जाम्पल स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस, एग्जाम्पल्स ऑफ बोनी फिश में सुना वन आप हिप्पोकैम्पस, कॉमन नेम ज्यादा फेमस, सी हॉर्स, व्हाई कॉल द हॉर्स स्टूडेंट, बिकॉज दिस कॉलियोडॉन को हमने डॉग फिश कहा था, व्हाई कॉल डॉग फिश ड्यू टू स्मेल, हियर सी हॉर्स, व्हाई कॉल सी हॉर्स बिकॉज स्टूडेंट इसका जो माउथ और जो इसका नेक और इसका जो हेड पोर्शन है उसकी स्नॉट ऐसी लंबी होती है जो हॉर्स की तरह लुक देती है, सो कॉल द सी हॉर्स, नाम में छिपा हुआ है समुद्र में। हमें स्टूडेंट कार्टिलेजिनस फिश में यह पता नहीं करना था कि वो मैराइन है कि फ्रेश वाटर, बिकॉज ऑल आर मैराइन, बट अब हमें बोनी फिश में ये हर फिश के आगे बताना पड़ेगा कि भाई वो मैराइन है कि वो फ्रेश वाटर है, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स मैराइन फिश। एक बात और बताता हूं आपको इसके बारे में स्टूडेंट, फिश
जनरली पानी में हॉरिजॉन्टल फ्लो करने का काम करती है, बट हिप्पोकैम्पस वो फिश है विच स्विम वर्टिकल। जी हाँ, ये वर्टिकल पानी में तैरती है स्टूडेंट। इसके बारे में तो मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल लेके दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल का नाम अगर कोई पूछे तो ये रहा स्टूडेंट हिप्पोकैम्पस एंड नॉन एज अ सी हॉर्स स्टूडेंट। इट स्विम्स इन सी वाटर इन इट्स वर्टिकल पोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। इसमें क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है, मेल और फीमेल के कैरेक्टर्स को डिफरेंशिएट करना एक्सटर्नल फीचर पे स्टूडेंट। जी हाँ, सी हॉर्स के बारे में बात करेंगे। हिप्पोकैम्पस एक बॉनी फिश है, एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ है, यस, और ये ओविपेरस है। इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इसमें स्टूडेंट मेल जो होगा, मेल के एब्डोमन पे डबल स्टार, मेल के एब्डोमन पे एक पाउच होता है, ब्रो पाउच उसका नाम होता है स्टूडेंट, एरा, इसलिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फीमेल के एब्डोमन पे कोई पाउच नहीं होता, फीमेल एग रिलीज करती है, बट वो एग मेल अपने एब्डोमन पे जो पाउच है, जो थैली है, उसमें ले लिया जाता है। यानी फीमेल रिलीज एग इनटू द ब्रॉड पाउच विच प्रेजेंट ऑन द एब्डोमन ऑफ मेल स्टूडेंट, और उसी में वो जब तक उस एग में से न्यू हिप्पोकैम्पस नहीं आ जाता एग को फोड़कर, तब तक वो उसी में डेवलप होते रहते हैं, और इसलिए पूरा एग का लुक आफ्टर जिसे कहते हैं वो मेल के द्वारा होता है। सो पेरेंटल केयर शोन बाय मेल स्टूडेंट, जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिप्पोकैम्पस के अंदर एब्डोमन में मेल में स्टूडेंट, और उसमें जब अंडे भर जाते हैं तो मेल ऐसे का जो एब्डोमन ऐसे फूल जाता है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द प्रेग्नेंट मेल स्टूडेंट। जी हाँ, प्रेगनेंसी जो होती है जब बच्चा आ जाता है तो फीमेल का एब्डोमन ऐसे फूल जाता है, ऐसे इसमें लगता है, बट मेल में होता है प्रोसीजर। पेरेंटल केयर मेल में शो होगा ड्यू टू ब्रॉड पाउच स्टूडेंट। आइए पूरी स्टडी करते हैं। अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन द एब्डोमन ऑफ मेल फिश स्टूडेंट, दिस नॉन इज द ब्रॉड पाउच। इन दिस पाउच मेल कलेक्ट द एग फॉर दिस फिश इज कॉल्ड द प्रेग्नेंट मेल, एंड मेल शो पेरेंटल केयर, जोरदार कैरेक्टर स्टूडेंट। तो वर्टिकल स्टूडेंट इसमें जो स्विमिंग होती है, और इसमें मेल पे एक पाउच होता है एब्डोमन पे, उसमें फीमेल एग रिलीज कर देती है और मेल उसका लुक आफ्टर करता है, पेरेंटल केयर मेल शो करता है, डन। श्योर स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ कैसा है। ये हिप्पोकैम्पस एनसीईआरटी का डायग्राम, ये देखिए आप, स्नॉट और इसका नेक और हेड हॉर्स के जैसा लुक देता है। ये एक और बात, इसमें टेल इस तरीके से, इसमें कॉडल फिन नहीं होता स्टूडेंट, इसमें टेल ऐसे पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है बढ़िया, और कोई भी चीज को पकड़ने में इनमें हेल्प करती है स्टूडेंट। ये ओरिजिनल डायग्राम, ये लीजिए, ये एनसीईआरटी में था। ये एक और चीज दिखाता हूँ इसमें, ये एनिमल देखिए, मेल है स्टूडेंट, ये इसमें ब्राउड पाउच है स्टूडेंट, जिसमें देखिए अंडे दिए हुए, और अंडे फोड़ के ये न्यू हिप्पोकैम्पस निकलता हुआ दिख रहा है आपको। ये मेल के एब्डोमन पे डबल स्टार, गॉट इट। फर्स्ट एग्जाम्पल हिप्पोकैम्पस। सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट एक्सोसीटस। एक्सोसीटस इज ऑल्सो मैराइन बॉडी फिश एंड नॉन इज द फ्लाइंग फिश स्टूडेंट। वाई कॉल द फ्लाइंग फिश, कैन फ्लाई? नो स्टूडेंट, एक्चुअली दिस इज नॉट अ फ्लाइंग फिश, ये फ्लाई नहीं करती है, ग्लाइड करती है स्टूडेंट। जी हाँ, एक अच्छी छलांग लगाती हुई दिखती है समुद्र के अंदर, यस स्टूडेंट, देखिएगा, इट डज नॉट फ्लाई दिस वन, बट ऑफन लिव्स इन टू द एयर अबाउट 6 मीटर हाई। जी हाँ स्टूडेंट, और इसका रीजन है कि इसका पेक्टोरल फिन जो है स्टूडेंट वो मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स लाइक स्ट्रक्चर में। जी हाँ, ऐसा लगता है कि इसके पंख निकल रहे हैं ऐसे अलग से दिखते हुए स्टूडेंट। हैव नो विंग्स, पेक्टोरल फिन मॉडिफाइड इनटू अ विंग्स लाइक स्ट्रक्चर विच कैन हेल्प इन द ग्लाइडिंग स्टूडेंट। सो फ्लाइंग फिश एक्सोसीटस मैराइन बॉडी फिश हेल्प विच फिश ग्लाइड्स स्टूडेंट। ये लीजिए, ये मैराइन है स्टूडेंट, मैराइन बॉनी फिश। हमारे पास एक और एग्जाम्पल आया मैराइन बॉनी फिश, देखिए स्टूडेंट, ये रहा एक्सोसीटस डायग्राम दिख रहा होगा आपको, पेक्टोरल फिन मॉडिफाइड इनटू विंग्स लाइक स्ट्रक्चर जो ग्लाइडिंग में हेल्प करता है, मैराइन बॉनी फिश, डन, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं स्टूडेंट, लेबियो कॉमन फिश, बहुत जोरदार, रोहू नाम से बुलाई जाती है, फेमस नेम इसका रोहू, इंडियन कार्प स्टूडेंट, बहुत सुना हुआ, जो फिश खाते हैं स्टूडेंट उन्होंने इसका नाम जरूर सुना होगा। फ्रेश वाटर फिश है, बोनी फिश है, ईटन फिश है, जी हाँ, डिलीशियस फूड में काम मिली जाती है, इस मछली को खाया जाता है स्टूडेंट, बहुत कॉमन फिश है, आसानी से मिल जाती है स्टूडेंट। सो दिस वन इट इज फाउंड इन द क्लियर स्टूडेंट रिवर्स स्टूडेंट एंड स्ट्रीम्स। फ्रेश वाटर फिश अगर आप लिखना चाहते हो इसके बारे में,
fresh water, bony fish, labia. It is eaten fish, common fish, labio, also called rohu. Double star student. मैं बताता हूं आपको, ये ऐसे दिखती है स्टूडेंट, ये आपको इसके ऊपर बॉडी पे स्केल्स दिख रहे हैं, श्योर साइक्लॉइड स्केल्स, ये देखिए लेबियो, ये देखिए स्टूडेंट इक्वल लोब्स, होमो सर्कल, फिन्स, एनी प्रॉब्लम, लेबियो, रोहू, इंडियन कार्प, फ्रेश वाटर ईटन फिश, थ्री एग्जांपल्स, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, Exocetus, flying fish, labio, also called rohu, fresh water bony fish. Done. Next example लेते हैं student. तीन example फ्री हो गए. अब next example. Clarius, catfish, magoon नाम से बुलाई जाती है student. Eaten fish, ये भी. Sure. और fresh water fish है student. Magoon नाम से. ये इसका common name student. जरा सा देखिएगा इसको. मागू, दिस वन क्लैरियस कैटफिश. और एक इंपॉर्टेंट लाइन शायद आपको याद है इसकी, स्केललेस, याद है स्केललेस स्टूडेंट, ये फिश, जी हाँ स्केललेस फिश होती है. आप देखिए स्केल नहीं दिख रहे होंगे, ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है स्टूडेंट. इनमें ये बेंटेल्स स्ट्रक्चर जो निकल रही होती है ना, बेंटेल्स के नाम से बुलाया जाता है. चलिए देखिए वाटर फिश क्लैरियस. अगला आ रहा है एक और एग्जाम्पल, कटला, कटला कटला ईटन फिश के नाम से, फ्रेश वाटर ईटन फिश, कॉमन फिश है भी. श्योर, तो फ्रेश वाटर ईटन फिश यानी कि जो मछलियां खाने में काम में ले रहे हैं उनमें लेबियो, कटला, क्लैरियस, कैटफिश जिसे कहते हैं, फ्रेश वाटर फिश है स्टूडेंट, एक्सेलेंट फूड फिश है. ये आप देखिए एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है इसका स्टूडेंट, अगेन आप इसको देखना, ये होमो सर्कल, ये देखिए ये आपको फिश दिख रहा है, सब कुछ बढ़िया, स्केल्स ये देखिए, ये इसका ओरिजिनल डायग्राम स्टूडेंट, दिस वन. क्लियर? तो हमने जो फिश अभी तक लिए वो भी तैयार, हिप्पोकैम्पस मैराइन फिश, एक्सोसीटस मैराइन फिश, लेबियो फ्रेश वाटर बोनी फिश, कटला फ्रेश वाटर बोनी फिश, क्लेरियास फ्रेश वाटर बोनी फिश. डन स्टूडेंट, ये आइए एक और देखते हैं स्टूडेंट. इसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूं, एक फिश स्टूडेंट आज बोनी फिश का एक और बहुत बढ़िया रोल है और वह है एक्वेरियम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वेरियम? एक्वेरियम इज आर्टिफिशियल मेन मेड इकोसिस्टम. जी हाँ, एक्वेरियम आपने देखा हुआ होगा, घर में रखते हैं हम लोग, शॉप्स पे रखते हैं. एक्वेरियम होता है, उसमें फ्रेश वाटर होता है, उसमें कुछ मछलियों को काम में लिया जाता है स्टूडेंट, वो पर्टिकुलर फेमस होती है, एंड दीज आर एक्वेरियम फिश. श्योर? और उस एक्वेरियम फिश में स्टूडेंट दो फिश बहुत पॉपुलर है, वन इज बेटा, दिस इज कॉल्ड द फाइटिंग फिश स्टूडेंट. इसका लुक आप देख सकते हैं, एक्वेरियम फिश है, क्या गजब लुक होता है, बहुत अग्रेसिवली पानी के अंदर इस तरीके से तैरती है स्टूडेंट, या लुक भी बहुत अच्छा होता है. ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा एक्वेरियम फिश. एक और दिखाता हूं एक्वेरियम फिश स्टूडेंट, टैरोफाइलम एंजल फिश के वैसे स्टूडेंट, इसका सिल्वर कलर जो दिखता है वो एंजल, जी हाँ उसका लुक देता है, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया गया. एक्वेरियम फिश, एक्वेरियम फिश आर्टिफिशियल मेन मेड इकोसिस्टम, उसमें एक्वेरियम फिश दो फिश ली, बेटा और टैरोफाइलम. बेटा इज फाइटिंग फिश, टैरोफाइलम इज अ एंजल फिश. डन. एक और बात बताता हूं स्टूडेंट, एक फिश और है बड़ी पॉपुलर है, एनसीईआरटी में दी हुई नहीं है, गैम्ब्यूसा. इंपॉर्टेंट क्यों है? ये फ्रेश वाटर फिश है स्टूडेंट, दिस वन इज द लार्वीवोरस फिश, ये मॉस्किटो के लार्वा खाती है स्टूडेंट. मॉस्किटो का लार्वा पानी में होता है और उसको ये खा जाती है, और अगर मॉस्किटो का लार्वा इसने खाया तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मलेरिया होगा स्टूडेंट. मलेरिया का वेक्टर जो है स्टूडेंट वो मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज, और अगर उसके लार्वा को मार दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट मॉस्किटो नहीं बनेगा. तो गैम्ब्यूसा बहुत ही यूजफुल फिश है, फ्रेश वाटर फिश है, मॉस्किटो का लार्वा खाती है, इसलिए लार्वीवोरस फिश है, मलेरिया कंट्रोल में हेल्प करती है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मलेरिया है. ये देखिए आप गैम्ब्यूसा मॉस्किटो फिश, फ्रेश वाटर फिश, लार्वीवोरस फिश, फीड्स ऑन द लार्वा मॉस्किटो यूज इन द मलेरिया कंट्रोल, ये ऐसे दिखाई देती है स्टूडेंट. डन. तो हम बोनी फिश के एग्जाम्पल्स पे बात करें स्टूडेंट, आपने कहा सर हिप्पोकैम्पस, डन. आपने कहा सर एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, डन. लेबियो रोहू, कटला फ्रेश वाटर ईटन फिश, कैट फिश क्लेरियस,
Bagur. Done. Beta. Fighting fish. Aquarium fish. Pterophyllum. Angel fish. इस सब एनसीईआरटी में दिया हुआ. नेक्स्ट गैम्ब्यूसा स्टूडेंट. ये हम गैम्ब्यूसा जो लिया हमने स्टूडेंट, ये गैम्ब्यूसा, ये लार्वी वरस फिश. एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन तैयार हमारा. डन. ये ट्वेल्थ के एनसीईआरटी में दिया हुआ एक वर्ड. तो इस तरीके से हमने तैयार करा स्टूडेंट बोनी फिश के एग्जाम्पल. बोनी फिश के एग्जाम्पल्स आपके सामने इंपॉर्टेंट सब तैयार करवा दिए. एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल मस्त याद है स्टूडेंट. आज आपसे पूछा जा फाइटिंग फिश, बेटा, एंजल फिश, Pterophyllum, flying fish, Exocetus, seahorse, hippocampus, magur, catfish, clarias. Done? Any problem? Student, seahorse is a fish? Yes. Dogfish is fish? Yes. Catfish is a fish? Yes. Jellyfish is a fish? No, jellyfish is Coelenterata. Silverfish is fish. No, silverfish is Arthropoda. Starfish is fish. No, Echinodermata. Double star. Zordar student, Pisces group ke example. Or class Ostrithics, class Condrithics. Haan hai na? Samajh mein aaya aapko? Ye hamare paas ye important aur ye point hai student. एक एग्जाम्पल और लेता हूं. अभी तक जो एग्जाम्पल लिए हमने बॉनी फिश के, उनमें गैम्ब्यूसा हो गया, लेबियो हो गया, कटला हो गया, क्लेरियस हो गया, श्योर, हिप्पोकैम्पस हो गया, एक्सोसीटस हो गया. एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एनसीईआरटी में नहीं है, और उस एग्जाम्पल का नाम है लेटीमेरिया. जी हाँ स्टूडेंट, सिलोकैंथ ग्रुप होता है और लेटीमेरिया. यह है स्टूडेंट, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये ओल्डेस्ट लिविंग फिश है स्टूडेंट ये, और ये इस समय उसी कंडीशन में है जो ये सबसे पहले हुआ करती थी. आज भी उस कंडीशन में, और जब कभी भी ऐसा हो कि कैरेक्टर्स उसी कंडीशन में प्रेजेंट हो जो प्रिमिटिव स्टेज में हुआ करते थे, और वो अभी भी वो एनिमल हो, तो उसे कहते हैं लिविंग फॉसिल. जो हमने पहले भी पढ़ा था, श्योर हमने ये बात लिविंग फॉसिल वर्ड पढ़ा था जब भी एक्सप्लेन किया था. तो इसके बारे में, इट इज द ओल्डेस्ट लिविंग फिश एंड हैज सर्वाइव्ड टिल टुडे विदाउट अंडरगोइंग चेंज. कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं, जैसे और आज भी प्रेजेंट है वही प्रिमिटिव कैरेक्टर्स लेकर. सो दिस इज नोन एज अ लिविंग फॉसिल स्टूडेंट. इसके बारे में ये वर्ड यूज किया जाएगा, ये लिविंग फॉसिल से रिलेटेड है. और दिखने में स्टूडेंट ये, इसके जो लोब्स होते हैं जनरली वो जो फिन्स होते हैं स्टूडेंट वो लोब्स में डिवाइड होते हैं. तो हमने लेटीमेरिया नॉलेज के लिया. डन. तो हमने फिशेस पढ़ी, दो फिशेस हुई, एक का नाम कॉन्ड्रिक्थिस है क्लास, एक का नाम ऑस्ट्रिथिक्स है. कॉमन कार्टिलेजिनस फिश बोलेंगे और बोनी फिश बोलेंगे. डन. एक बात बताऊं आपको, बोनी फिश जो होती है स्टूडेंट वो फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों होती है. हमें पता है ये बात स्टूडेंट्स, सम फ्रेश वाटर बोनी फिश, गौर कीजिएगा मेरी बात पे, इन सम फ्रेश वाटर बोनी फिश एयर ब्लैडर हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड एयर ब्लैडर एक्ट एज अ लंग्स. So these freshwater bony fish can respire on land, and these are known as the lung fish. Why called the lung fish? They have lungs. No, their air bladder act as a lungs. They can respire, student, in air. But a fish kabhi bhi pani ke bahar hawa mein saans nahi le sakti. To ek alag hi group bana. ग्रुप का नाम बना डिप्नोई ग्रुप. मोस्ट एडवांस फिश का ग्रुप है, कॉमनली नॉन एज अ लंग फिश. और इन फिश में एयर ब्लैडर हेल्प इन रेस्पिरेशन एक्ट एज अ लंग्स, सो दे कैन रेस्पायर इन एयर. तो आपकी नॉलेज के लिए स्टूडेंट्स एक चीज बताता हूं, एक नया वर्ड आया एंड दिस वर्ड इज द डिप्नोई ग्रुप स्टूडेंट. These are the lung fish. These are the fresh water fish, student. Most important point, fresh water bony fish ka group hai. In this air bladder act as a lungs, so they can respire in air. They are known as a lung fish. Most important point, hum lung fish ke bare mein baat kar rahe hain. Students, aapko ek aur bahut important line batata hu lung fish ki.
These are most advanced fish. इनमें एयर ब्लैडर एक्ट एज अ लंग्स, ये बात हमारी क्लियर हो गई। ये इस बात को बता रहा है कि अब जो नेक्स्ट ग्रुप आने वाला है, नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है, वो अब जमीन पर यानी लैंड पर सांस लेंगे स्टूडेंट। एम्फीबिया आने वाला है, यानी लंग फिश में कुछ कैरेक्टर एम्फीबिया के हैं और कुछ कैरेक्टर फिश के हैं। सो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया स्टूडेंट। आपने बोला कौन सा कैरेक्टर एम्फीबिया है, मैं आपको बता दूं कैरेक्टर, इनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं लंग फिश में। फिशेज में हमेशा हमने पढ़ा टू चैम्बर्ड हार्ट है, सिंगल सर्कुलेशन है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट एम्फीबिया में मिलता है, लेकिन लंग फिश में थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। लंग फिश एयर में सांस ले सकती है, कैन रेस्पायर इन एयर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया स्टूडेंट, लंग फिश। ये देखिएगा फ्रेश वाटर बॉडी फिश, दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, दे आर मोस्ट एडवांस फिश, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया, डन। कार्टिलेजिनियस फिश और बोनी फिश के बीच में कनेक्टिंग लिंक हमने काइमेरा को लिया था स्टूडेंट, जो कि एक कॉन्ड्रिक्थिस यानी कार्टिलेजिनियस फिश है। और अब फिश और एम्फीबिया के बीच कनेक्टिंग लिंक हमने लिया है लंग फिश को, डन। लंग फिश स्टूडेंट पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज में जैसे अफ्रीका में, अमेरिका में, इन्हीं में मिलती है। इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं। दिस वन देखिएगा प्रोटोप्टेरस, ये अफ्रीकन लंग फिश है, अफ्रीका में। नियोसेरेटोडस ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है, लेपिडोसेरेन अमेरिकन लंग फिश है। ये तीन एग्जाम्पल है लंग फिश के। वॉट इज लंग फिश? दीज आर फ्रेश वॉटर बॉनी फिश। इन दिस एयर ब्लडर एक्ट एज ए लंग्स, सो दे कैन रेस्पायर इन एयर। दे आर मोस्ट एडवांस फिश। ये इस बात को बता रही है कि अब अगला ग्रुप एम्फीबिया आने वाला है जो जमीन पर सांस लेगा। सो दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड फिश। दे ऑल्सो हैव वन कैरेक्टर लाइक एम्फीबिया, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। एग्जाम्पल थ्री प्रोटोप्टेरस, नियोसेरेटोडस, लेपिडोसेरेन, जिस जगह मिलती है, जिस कंट्री में, उसके बेस पर नाम पड़ा। अफ्रीकन लंग फिश, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, अमेरिकन लंग फिश, बताता हूं आपको। ये देखिए स्टूडेंट, ये प्रोटोप्टेरस है, अफ्रीकन लंग फिश ऐसी दिखाई देती है स्टूडेंट, गॉट इट? ये आइए स्टूडेंट, नियोसेरेटोडस ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, ये डन। लैपिडोसेरेन अमेरिकन लंग फिश स्टूडेंट। तो लंग फिश एक टॉपिक हमने एक्स्ट्रा पढ़ा स्टूडेंट। तो हमारे पास ग्रुप पाइसेस और पाइसेस। तो फिश के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फिश में, तो स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट। फिश में हमने जो जो एग्जांपल्स लिए हम रिवाइज करें। एक एग्जांपल होता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। एक एग्जांपल हम और बात करते हैं स्टूडेंट, ट्राइगोन। एग्जांपल फिश में हमने जो लिया, नेक्स्ट प्रिस्टिस। नेक्स्ट एग्जांपल दिस वन कैरकैराडॉन। फिश में एग्जांपल नंबर नेक्स्ट लेबियो। नेक्स्ट स्टूडेंट कटला। श्योर बताइए। नेक्स्ट स्टूडेंट फिश में एग्जांपल अगला, नेक्स्ट नंबर स्कॉलियोडॉन। क्लैरियस टैरोफाइलम। बेटा जो जो टोटल एग्जांपल्स हमने फिश में लिए हैं स्टूडेंट, कवर करें एनसीईआरटी के उसमें ले रहे हैं हम पहले, और उसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सोसीटस। टॉर्पीडो, ये वो एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इनको मैंने स्टूडेंट मिक्स करके दिया है कुछ कार्टिलेजिनस और बोनी फिश को, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ भी लिए, इसके अलावा एक दो एग्जांपल्स हमने और एक्स्ट्रा पढ़े, जैसे गैम्ब्यूसा पढ़ा है हमने, हमने काइमेरा पढ़ा है,
श्योर हमने लंग फिश पढ़ा है, डन। ये वो एग्जाम्पल्स है जो हम नेक्स्ट, हमने लेटिमेरिया भी पढ़ा है, तो ये एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में नहीं है बट हमने अभी उनको स्टडी कर लिया। जरा मैं इनके बारे में बात करूँ, ये 12 एग्जाम्पल्स अगर मैं एनसीईआरटी के बोलूँ और इनके नाम के बारे में कुछ बात करूँ, जैसे मैं हिप्पोकैम्पस के लिए बात करूँ स्टूडेंट, आज के बाद अदर नेम सर सी हॉर्स, आप मेरे साथ साथ बोलते चले इनको, या ट्राइगोन नेम बताइए, आई थिंक स्टिंगरी, स्टिंगरी जोरदार, प्रेस्टिस सॉफिश, डन, कार्केडन ग्रेट व्हाइट शार्क, दिस वन लेबियो रोहू, इंडियन कार्प, कंफर्म कटला, कटला कटला स्टूडेंट, फ्रेश वाटर ईटन फिश, डन। अगला स्टूडेंट स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश, शार्क, क्लेरियस, मागूर, दूसरा नाम बताइए स्टूडेंट, कैट फिश, यस, टेरोफाइलम, कॉमन नेम बोलिए, एंजल फिश, एनसीईआरटी में शार्क, बेटा, फाइटिंग फिश, एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे, डन। आई थिंक स्टूडेंट ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, इनको हमने ले लिया, मुझे लग रहा पूरा तैयार क्लियर, ये इनके नाम के साथ जरा स्टार्ट, अब इन पे वापस रिवीजन करें स्टूडेंट और मुझे बताते जाएं इनके बारे में, कौन कार्टिलेजिनस है कौन बोनिफिश है। हाँ जी स्टार्ट करें, आप बोले तो शुरू करते हैं, हिप्पोकैम्पस क्या बोलते हैं आप इसके बारे में, हिप्पोकैम्पस के बारे में स्टार्ट, कार्टिलेजिनस बोनी, बोनिफिश, डन, स्टिंग रे कार्टिलेजिनस फिश, सॉफ्ट फिश प्रिस्टिस कार्टिलेजिनस फिश, कार्केरेडॉन शार्क है इसलिए कार्टिलेजिनस फिश, रोहू इंडियन कार्प, बोनीफिश कटला कटला, बोनीफिश, डन। और बताइए स्टूडेंट्स, स्कॉलियोडॉन डॉग फिश, कार्टिलेजिनस फिश, क्लैरियस मागूर, कैट फिश, आई थिंक बोनीफिश, टेरोफाइलम, टेरोफाइलम एंजल फिश, बोनीफिश, फाइटिंग फिश, बोनीफिश, एक्सोसीटस, बोनीफिश, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे क्या बोलते हैं आप स्टूडेंट टॉर्पीडो के लिए, कार्टिलेजिनस फिश, डन। रिविजन करना भाई पूरा अच्छी तरीके से तैयार, कोई भी फिश आ जाए हमें बोल दिया जाए तैयार, जरा स्टूडेंट मुझे सपोर्ट करेगा, और ये कौन कौन मैराइन है कौन फ्रेश वाटर है एक्सप्लेन करें इसको, ये बोलिए हिप्पोकैम्पस मैराइन, स्ट्राइगोन मैराइन, प्रिस्टिस मैराइन, कार्केरेडॉन मैराइन, लेबियो फ्रेश वाटर फिश, कटला फ्रेश वाटर फिश, स्कॉलियोडॉन मैराइन, क्लेरियस फ्रेश वाटर फिश, टेरोफाइलम एक्वेरियम फिश फ्रेश वाटर, बेटा एक्वेरियम फिश, एक्सोसीटस मैराइन, टॉर्पीडो मैराइन, डन। एनी प्रॉब्लम, तैयार रिवीजन करना है क्लियर। अच्छा स्टूडेंट्स जरा बात करें स्टेटमेंट में और कुछ बातें करते हैं, फ्लाइंग फिश एक्सोसीटस श्योर, या किस फिश में इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो, किस फिश के अंदर स्टूडेंट पॉइजनस स्पाइन, टेल मी पॉइजनस स्पाइन, स्टिंग रे इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे जिसे कहा जाता है, ये लीजिए स्टूडेंट। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस और फिश टॉपिक के बारे में कंप्लीट स्टडी करी एक एक चीज, अब चाहे हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए जैसे फिश में हमें तैयार है, कार्केरेडॉन हैव प्लैकॉइड स्केल्स, यस, हिप्पोकैम्पस इज ओवीपैरस, यस,
Because hippocampus is a bony fish and bony fish is oviparous. Got it? Aur batao students. Jara jordar. Carcharodon internal fertilization. Yes. Because carcharodon is a cartilaginous fish and student internal fertilization milega. Done. Agla batao. Bahut zordar. Labio external fertilization. Yes. Cutula have placoid scales. No. Kyunki student cutula is a bony fish and bony fish mein placoid scales nahi, cycloid aur tenoid scales hote hain. Done. Statement batao aur ja. Clarias gills are covered. Yes. Because clarias is bony fish. Labia can regulate buoyancy. Yes. Have air bladder? Torpedo have air bladder? No. Soft fish oviparous? No. So students, हमने पूरा टॉपिक लिया सुपर क्लास पाइसिस जिसमें कार्टिलेजिनस फिश और बॉनी फिश ये उनके एग्जाम्पल्स हैं. शॉर्ट लेटीमेरिया लिविंग फॉसिल है स्टूडेंट, तैयार हो चुका है. लंग फिश कार्टिलेजिनस और बॉनी फिश के बीच कनेक्टिंग लिंक है वो तीन है स्टूडेंट. टेरोपस श्योर याद है आपको, लंग फिश प्रोटोप्टेरस लेपिडोसायरन नियोसेरेटोडस. डन. तो हमने पूरा टॉपिक तैयार कर लिया है यहां तक का फिश का उनके नाम के साथ. ठीक है स्टूडेंट.